Hi friends, welcome to Arches Word. So aap sabhi ka aapke apne channel Arches Word mein. First of all, Happy New Year to all of you, my viewers, my subscribers. May God fulfill all your wishes in this year. I pray 2021 is better for each and every one of us. May God answer our prayers, give us peace, keep us safe and healthy, and bless us all. Thank you. चलिए नए साल की प्यारी सी शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज की यम्मी सी रेसिपी तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक खाने में बेहद डिलीशियस है यम्मी है तो देर ना करते हुए अपनी रेसिपी को करते हैं हम लोग स्टार्ट तो ट्राई जरूर कीजिएगा और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूबल फीडबैक मुझे जरूर दें तो केक के लिए हमने लिए हैं ओरियो बिस्किट इसके दो पैकेट का यूज़ किया है हमने उसको ग्राइंडर में पीस के अच्छी तरीके से उसका पाउडर तैयार किया है आप देख सकते हैं पाउडर का टेक्स्चर इस पाउडर के अंदर हम ऐड करेंगे शुगर शुगर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे मैंने यहाँ पे दो टेबलस्पून शुगर पाउडर लिया है इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच बेकिंग पाउडर इसका बैटर बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे दूध का एक गिलास तकरीबन 200 ग्राम दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए जिससे कि बैटर आराम से बन जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दो बड़े टेबल स्पून आप रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पे बटर का यूज़ किया है पचास ग्राम के तकरीबन बटर का यूज़ किया है इसके अंदर और इसके बाद इसको स्पून की हेल्प से अच्छे तरीके से मिलाएँगे और इसका एक फाइन सा बैटर तैयार करेंगे आप देख सकते हैं कितना प्यारा टेक्सचर आया है बैटर का आप देख पा रहे होंगे कि कितना स्मूथ बना है इसके अंदर हमने ऐड किए हैं चोको चिप्स जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है केक खाते वक्त तो आप इसे ऐड कर सकते हैं ऑप्शनल है ये इसकी जगह आप बिस्किट्स के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं तो चलिए हम केक बेक करने के लिए तैयारी करते हैं केक बेक करने के लिए हमने एक मोटी तले की कढ़ाई का यूज़ किया है गैस फुल फ्लेम पे ऑन कर दी है उसके अंदर हम केक का स्टैंड रखेंगे और नमक रखेंगे 200 ग्राम एक कटोरी के तकरीबन और इसको अच्छी तरीके से आप जैसे देख पा रहे हैं कि फैला देंगे स्पून की हेल्प से और प्लेट से ढक के इसका टेम्परेचर सेट होने देंगे दस मिनट तक उसके बाद हम केक का बैटर इसके अंदर रखेंगे बेक होने के लिए जब तक कढ़ाई में हीट सेट होती है तब तक हम बैटर को देख लेंगे बैटर तैयार करने के बाद हमने इसको पंद्रह मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये भी सेट हो जाए तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको चोको चिप्स नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल फाइन इसका बैटर तैयार हुआ है के, के लिए बिल्कुल परफेक्ट तो चलिए हम मोल्ड को तैयार करते हैं मोल्ड को तैयार करने के लिए हमने इस अंदर बटर का यूज़ किया है बटर को आप मोल्ड के चारों तरफ अच्छी तरीके से अंदर की तरफ लगा देंगे इसके बाद अगर बटर पेपर है तो उसका यूज़ कीजिए और बटर पेपर नहीं है तो आप आटे या मैदे किसी भी चीज़ का यूज़ कीजिए इस तरीके से उसे चारों तरफ फैला लीजिए अंदर और एक्स्ट्रा जो भी है उसे इस मोल्ड के अंदर से निकाल दीजिए ये, ये देखिए मोल्ड बिल्कुल तैयार है इसके अंदर हम चॉकलेट केक का बैटर डालेंगे और इसे बेक करेंगे दूसरी तरफ कढ़ाई में टेम्परेचर भी सेट हो चुका है तो मोल्ड के अंदर अब हम बैटर को ऐड कर देंगे अब देख सकते हैं चोको चिप्स आपको नज़र आ रहे होंगे कलर भी कितना प्यारा है बनने के बाद ये कलर और डार्क होगा आप देख सकते हैं हमने सारा बैटर जो है वो मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है ये देखिए बॉल के अंदर से सारा बैटर जो है इसके अंदर डाल दिया है तो अब इसको कढ़ाई के अंदर हम रखेंगे प्लेट हटा के और इसको प्लेट से वापस ढक के मीडियम फ्लेम पे 40 मिनट तक बेक करेंगे आप देख सकते हैं प्लेट से हमने ढक दिया है तो अब 40 मिनट के बाद देखते हैं कैसा बन के तैयार होता है हमारा केक फ्रेंड्स काफ़ी इजीली आप इस तरीके से केक है घर पे बना सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए आप देख सकते हैं 40 मिनट के बाद इस तरीके का कुछ लुक आया है अभी अभी गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इस मोल्ड को अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे आप देख सकते हैं प्लेट में निकालने के बाद हमने इसको हर्शीज कुछ क्रंची और चोको चिप्स जो थोड़े से बचे हुए थे उससे हमने इसको डेकोरेट कर लिया है आप अपने हिसाब से आपको जो तरीका पसंद है आप वैसे डेकोरेट कर सकते हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है ये इसे बनने में तकरीबन एक घंटा लगता है चालीस मिनट में ये बेक होता है और पंद्रह मिनट से बीस मिनट का वक्त लगता है इसको ठंडा होने में उसके बाद अपनी मनपसंद तरीके से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं तो नए साल की शुरुआत कुछ मीठे से हो जाए आ जाए आप भी टेस्ट करें कैसा बना है केक ट्रस्ट मिगज बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इसका टेस्ट फ्लेवर तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है तो आप इस तरीके को ज़रूर अप्लाई करें और मुझे फीडबैक दें कि कैसा बना है तो फिर से एक बार नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएँ है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक वेट एंड वॉच आज इज वर्ड